हेलो अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू ऋषि। अभी आपके एग्जाम थे मैथ्स के। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को थोड़े बहुत ट्रबल्स हुए हैं। किन किन को ट्रबल्स हुए मुझे यहाँ पे जानना है। कैन यू कमेंट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, अगर कोई ट्रबल हुए है आपको राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। चैट बॉक्स इज ओपन नाउ। ओके अक्षित, मनन, अदित, ओके पूजल, आर्यन, ओके बहुत सारों को ट्रबल हुए थे। ओके ओके जिनकी एग्जाम रही थी, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम जो दे पाए थे उनकी एग्जाम कैसी रही, आई वॉन्ट टू नो, राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। हाउ वॉज योर एग्जाम? गुड। ओके 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 आई सपोज कि इजी था पेपर, ठीक है, क्योंकि हमारा कंटेंट बहुत इजी है। यस मैम सबको मारा अच्छी थी एग्जाम लगी। देवानी ना थी तो शू करवानो है। इनको कई सॉल्यूशन निकल से। ओके मैम तो पेपर पाछू भरी सकसू। हाँ इनू कई फसे फैंटास्टिक। ओके वन स्टूडेंट हैज कमेंटेड दैट टाइम वाज वेरी लेस। एक्चुअली क्या होता है कि टाइमिंग हमने क्वेश्चंस तो ऐसे ही निकाले जो हार्डली 40 सेकेंड्स में आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो टाइमिंग का तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं था। ओके एक दो क्वेश्चन में ट्रबल थी। एप्लीकेशन गॉट हैंग, यस ये एप्लीकेशन का या सर्वर का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था ही, इश्यू था, तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ 60 सेकेंड पती गया पची बीजो क्वेश्चन आउट नो, तो यस दैट वाज द सर्वर प्रॉब्लम अदित। ओके जनरली हमने क्वेश्चंस ऐसे ही निकाले थे सो दैट आप 40 सेकेंड में क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ही जरूरत थी, दैट्स इट। तो अब नेक्स्ट जब भी एग्जाम हो तब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। सी मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा है, आपको प्रैक्टिस से ही आप कंफर्टेबल रहोगे। कैसे? फटाफट कैलकुलेशन करनी है।
तो आप डे बाय डे जो भी जितना भी हो रहा है ठीक है, तो वो डेली आप प्रैक्टिस करते रहो थोड़ा बहुत, एटलीस्ट आप एटलीस्ट 10 मिनट्स आप निकाल सकते हो। अगर पहले से ही आप सब प्रैक्टिस करते रहोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको एग्जाम में कोई भी ट्रबल रहेगा, इवन आपको हार्डली सिर्फ रिवीजन की ही जरूरत रहेगी। लास्ट 2 क्वेश्चन में ट्रबल थे, कैन यू से कि कौन से क्वेश्चन थे? ओके, सबको रिजल्ट की क्यूरियोसिटी है, तो रिजल्ट अभी नहीं आपको मिलेगा, जब यूनिवर्सिटी से डिक्लेयर किया जाएगा तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। किसी को कुछ क्वेश्चंस अगर याद है और ट्रबल हुआ था तो बता सकते हो कि इसमें ट्रबल था? मैम बोलो एसआई यूनिट मा तू बता ओके एसआई यूनिट जा एसआई, पहला था ऑप्शन मा ओके यस, दैट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन। उसमें क्या था कि जो भी अगर आपने ऑप्शंस पढ़े हो ठीक है, तो उसमें कोई एक तो ऐसा यूनिट ऐसा होगा जो साइंटिस्ट के नाम से होगा, राइट? ऐसे 2 3 ऐसे होंगे शायद ऑप्शन में। अब उसमें आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन सा प्रॉपर यूनिट लिखा था। आई थिंक केल्विन या ऐसा कोई भी नंबर, मीन्स कि नाम उसमें लिखा हुआ, वो नाम था, दैट केल्विन वॉज था नॉट द मैडम। यूनिट। हाँ, तो वो के कैपिटल था, तो दैट इज नॉट द यूनिट, दैट इज द नेम। मैंने आपको बताया था जो जो भी रूल्स हम लिख रूल्स थे यूनिट्स के, सिंबल्स या यूनिट्स लिखने के, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं, डायरेक्टली आपको नहीं पूछे जा रहे हैं, राइट? बट उस वो अप्लाई कैसे होगा यहाँ पे, लाइक आपको ये केल्विन वो साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से ये ठीक है रखा है, तो ये कैपिटल के अगर दिया है तो वो यूनिट नहीं है, वो नाम है, तो वो ऐसा यूनिट नहीं है, तो वो गलत ऑप्शन था, मीन्स कि आंसर वो आएगा ऐसा। 45 ग्राम वाड़ू 45 ग्राम इज इक्वल इनू टू कॉन्वर्जन आई कितना थिंक। हाँ या मिलीग्राम मां तो એટલે 45,000 આવે ને यस मैम, એમાં 400 ને हाँ 50 આપ્યું હતું ને બીજા એમાં 4 4000। 4,500 આપ્યું હતું છેલ્લો આન્સર ઓકે, કેન યુ સે મિલી મિલી જ્યારે પણ આવે બરાબર, મિલી જ્યારે પણ મીન્સ કે પ્રિફિક્સ આવે ત્યારે શું 10^2 કેટલું લગાવવું પડે, લાઈક થ્રી આપણે ગેટ અહીંયા સપોઝ, વેટ અ મોમેન્ટ, સપોઝ વેટ, ઓકે 1 મીટર, સોરી લેટ્સ રાઇટ 1 મિલીમીટર ઇક્વલ્સ ટુ હાઉ મેની મીટર્સ, ये सबको पता है, हाउ मेनी मीटर्स? 10^-3 हाँ, ये सिर्फ मिली अगर हटाना है तो 10^-3 करना है, तो 1 ग्राम, ग्राम ठीक है, ग्राम को रखते हैं सिर्फ, ये सिंबल है, इसमें आगे प्रीफिक्स सफिक्स कुछ भी नहीं लगा है, तो हाउ मेनी, सॉरी 1 मिलीग्राम, हाउ मेनी ग्राम, मिली को सिर्फ हटाना है तो 10^-3 रहेगा, 10^-3 तो 1 ग्राम इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीग्राम? 10³ 10^3, तो इसके हिसाब से अब आप लिख लो कि मीन्स कि क्या होगा आंसर, आप फोर समझ थाउजेंड गए। फाइव हंड्रेड पर ये ओके आंसर है ना तो अच्छा, ओके, तो फिर वो ओके, वो करेक्शन होगा तो ठीक है, उसका भी आपको कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओके ठीक है, और किसी को कुछ क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हो। अभी अटेंडेंस नहीं देनी है, ओके, सो आई एम टर्न ऑफ, आई हैव टर्न ऑफ द चैट बॉक्स हियर। અમે માં એસાઇનમેન્ટ માં છે એક हाँ બોલો, અસાઇનમેન્ટ માં લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે ને 14મો એમાં અસાઇનમેન્ટ નંબર 3 ઓર 1, હમણાં મોકલું તું એ કયું હતું 2 દી પહેલા ઓકે અસાઇનમેન્ટ નંબર 1, હા એટલે એમાં 14મો ક્વેશ્ચન છે ને એમાં કાક પેલું સમજાતું નથી કાક એસઆઈ યુનિટ નું કાક ઓકે કીધું છે લેટ મી હા ચેક, મેડમ એમાં ડાઉટ છે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન ના, યસ
फाइव प्रैक्टिकल नॉर्म्स विथ इट्स एग्जाम्पल फॉर द यूज ऑफ एसआई सिस्टम। मैंने नोट्स आपको अपडेटेड करके दिए हैं। वेट, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है आपको। जो हम रूल्स जो थे ना, एसआई यूनिट लिखने के रूल्स, यस ठीक है, वही आपको करना है, वही लिखना है। वेट, मैं आपको वो अपडेटेड, मैंने वहाँ पे अपडेट कर भी दी है, जहाँ पे मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड की है वहाँ पे नोट्स भी अपडेट कर दी है। लेट मी फाइंड दी दैट फाइल। यस, दिस वन। वेट अ मोमेंट, देयर इज सम टेक्निकल हियर, सो वेट फॉर सम टाइम प्लीज। ओके, लेट मी शेयर माई स्क्रीन हियर। रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स। ओके, ये मैंने मैम लिखा आपको। यस, आ 11th ने 13 बे क्वेश्चन सेम अच्छे ओके हाँ तो कोई एक कर जो चल से। ओके, और साथ में ये मैंने ऐड कर दिया, प्रैक्टिकल नॉर्म्स फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, कि ऐसा यूनिट्स के यूज के जो है कुछ रूल्स है वो। तो दोनों टाइटल, दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राइट द रूल्स फॉर राइटिंग ऐसा यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स, और राइट द प्रैक्टिकल नॉर्म्स फॉर द यूज ऑफ ऐसा यूनिट्स। और मैंने एक ऐड कर दिया, मैंने चार रूल्स दिए थे और एक फिफ्थ यहाँ पे ऐड किया, ये वाला यहाँ पे लिखा है, यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड अकॉर्डिंग टू इट्स सिंबल्स। दर एक भौतिक राशि एक अंकित मुजब दर्शावो चाहिए, कि जो भी अप्रोप्रिएट यूनिट का सिंबल है वही लिखना चाहिए, नहीं कि कोई मीन्स की सेकेंड है तो एस ए सी लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, सिर्फ एस लिखना है सिंबल्स। ओके, फिर बाद में हमने जो ये सब लिखे थे कि साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से अगर कोई यूनिट है तो पूरा यूनिट लिखना है तो वो स्मॉल में रहेगा, और सिर्फ उसका सिंबल लिखना है तो वो कैपिटल में रहेगा, और फिर बाद में और तीन थे। तो वो अगला जो मैंने फर्स्ट वाला मिलाया तो वो टोटल फाइव हो गए। ओके, और क्वेश्चन में आपको ये पूछा है कि फाइव प्रैक्टिकल नॉर्म्स फॉर द यूज ऑफ एसआई यूनिट्स, तो हो गए पांच। नाउ एनी डाउट एनीवन? मैम हाँ, ओलो 1 किमी इज इक्वल टू ओलो एक तो एग्जाम क्वेश्चन એટલે એમાં જો 1/1/1.6 કરી ને તો 0.625 જવાબ આવે અને ઓપ્શન માં 0.621 હતો એટલે ઈ લખી નાખી તો હાલે ને ફરીથી કહેશો તમે? 21 જવાય ભાઈ એટલે 1 માઇલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કે 1 કિમી એટલે કેટલા માઇલ થયું ઈ 0.621. ઓકે,
હા તો પ્રોપર જ આન્સર હતા એમાં. તમે કીધું હતું કે 1 માઇલ એટલે 1.6 કિમી આવે, બરાબર? હા તો 1 કિમી એટલે 1/1.6 કરી તો 0.625 આન્સર આવે એમ. ઓકે લખ્યો, મેને વો આન્સર ભી આપકો લિખ કે દિયા થા કે ક્યા આન્સર હે વો. વેટ અ મોમેન્ટ, લેટ મી ચેક હિયર. ओके 0.625 आंसर है और वो ऑप्शन में नहीं था ऐसा कुछ. હા, એટલે 0.621 હતો એમ. આમ તો એનું નજીકનું જ કહેવાય ને. ઓકે ઓકે હા ચાલશે. યસ યસ. બીજું કંઈ, એની વન એની ડાઉટ? आई थिंक किसी को कुछ क्वेरी नहीं है. आप कोई असाइनमेंट में भी कोई अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो. और एक बात मुझे यहाँ पे बतानी थी कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपरली पीपीटी सॉरी पीडीएफ मुझे सेंड नहीं कर रहे हैं जो भी मैंने वर्क अलॉट किया है गूगल क्लासरूम पे. तो आप जब भी आपके आपका वर्क सबमिट करते हो ठीक है, तो एक बार चेक कर लो कि प्रॉपरली आपने लिया है या नहीं. कभी कभी कुछ कुछ का ब्लर दिखता है, कभी ने क्रॉप नहीं किया अच्छे से ठीक है, रखा है या कहीं पे और जगह पे रखा है, तो आजू बाजू का बैकग्राउंड उसमें बहुत ज्यादा दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके आप एक प्रॉपर पीडीएफ बनाओ जिसमें आजू बाजू का मीन्स की बैकग्राउंड उसमें ना दिखे, प्रॉपरली वो अच्छे से क्रॉप किया हुआ होना चाहिए आपकी पीडीएफ, और जो भी वहाँ पे विजिबिलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए. मुझे उसमें ब्लर दिखता है तो मैं चेक कैसे करूँगी. प्लस अभी भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स ने उनके नाम नंबर एंड ब्रांच वो नहीं लिखे हैं हर एक पेज पे. तो जिन्होंने नहीं लिखी है, भूल गए हैं, कोई बात नहीं, आप रीसबमिट कर सकते हो आपकी फाइल ठीक है. अब वहां पे जाके आपका आपकी फाइल फिर से सबमिट कर दो वो कैंसिल करके पुरानी वाली. अगर आपने अच्छे से आपका वर्क सबमिट नहीं किया है, कोई एक स्टूडेंट ने मुझे उनका वर्क सबमिट किया था, बट क्या प्रॉब्लम था कि उन्होंने गलती से वो मीन्स की जो फाइल मुझे शेयर की तो फाइल नहीं शेयर हुई, उसकी लिंक शेयर हो गई. तो आप एक बार चेक कर लो कि आपने जो वर्क सबमिट किया है वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं ठीक है. मुझे एक आइडियल वेट अ मोमेंट. हेलो मैम. हाँ यस मैम, आपने कहा कि रिसबमिट कर दो वो फाइल. हाँ हाँ, वो मैम, तो वो रिसबमिट करेंगे तो वो लेट नहीं दिखाएंगे? नहीं सपोज बतावे तो कई वांधो नथी, हूँ आटला वर्क में चला भी लईस. ओके ओके. ओके और आप रिसबमिट करते हो कुछ भी करते हो तो वहां पे प्रोफाइल में दिख जाता है कि आपने कब सबमिट किया था. ओके ओके मैम. सो जस्ट अ मोमेंट एवरीवन. सी एक स्टूडेंट का वर्क मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कैसी आइडियल होनी चाहिए आपकी पीडीएफ. सी हियर एक स्टूडेंट मुझे यहाँ पे ये वर्क सबमिट किया है ठीक है. यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा एनरोलमेंट नंबर लिखा है ठीक
लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आपकी ब्रांच लिखो और आपके एनरोलमेंट नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है, ये होता है। आपको इंस्ट्रक्शन मैंने दी थी, भूल गए होंगे। ओके सी, यहाँ पे प्रॉपरली इन्होंने पिक खींचा है, सिर्फ शेडो जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गया है, तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी ये पूरा का पूरा पेज की आजू बाजू का बैकग्राउंड कुछ भी नहीं दिख रहा, तो आपकी पीडीएफ ऐसी होनी चाहिए सो दैट मुझे यहाँ पे विजिबिलिटी प्रॉपर दिखे। यहाँ पे मैंने लैपटॉप में ये ओपन किया है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये फाइल बड़ी दिखेगी, बट इसमें चेक करना मेरे लिए हेक्टिक हो जा रहा है, क्योंकि इसमें अनोटेशन भी मुझे डालने पड़ते हैं, रिमार्क्स भी डालनी पड़ती है, तो मुझे मोबाइल का यूज करना पड़ता है, तो उसमें इतना बड़ा नहीं दिखेगा। तो अगर आपने अच्छे से वो पेज नहीं क्लिक किए हैं तो मुझे वो दिखाई नहीं देगा, मुझे जूम हर एक पेजेस करके मुझे चेक करने पड़ते हैं। तो अगर ऐसी आपकी कोई भी फाइल्स है तो वो कैंसिल कर दो और वो आप फिर से रिसबमिट कर दो। ओके, और हर एक पेज पे यहाँ पे लाइक इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एनरोलमेंट नंबर लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, यस आप ऐसा कर सकते हो, आप जिस फॉर्म में आपकी अटेंडेंस दे रहे हो, कैसे, तो आपका इनिशियल सपोज मैकेनिकल से है तो सिर्फ एम लिखते हो और लास्ट 3 डिजिट्स लिखते हो, 002, M002 स्पेस करके आपका सिर्फ फर्स्ट नेम लिख दो, इतना काफी है। तो ये सिर्फ आपकी हार्डली 5 to 6 वर्ड्स लिखने हैं, वर्ड्स भी नहीं, आप अल्फाबेट्स बोल सकते हो, तो इतने ही लिखने हैं, तो आप इतना इतना लिख सकते हो हर एक पेज पे, चाहे कितने ज्यादा पेजेस हो, इतने ज्यादा वैसे वर्क होता भी नहीं, ठीक है। तो उस फॉर्म में आप यहाँ पे ऊपर लिख सकते हो आपका नाम, मीन्स की इंस्ट्रक्शन जो भी है आपकी। अब हम लेक्चर पे जाते हैं। तो लास्ट टाइम हमने लिखा था, फ्रैक्शन यूनिट स्टार्ट किया था हमने, ओके, और उसमें दो टाइप्स के फ्रैक्शंस हमने देखे थे, तो वो मैं यहाँ पे आपको बता देती। ये यूनिट स्टार्ट किया था और फ्रैक्शन क्या है वो देखा था, फिर दो टाइप्स देखे थे, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की, फर्स्ट था वो प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है कि वैल्यू में कम है तो वो हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर तो जो प्रॉपर नहीं है वो, मीन्स कि न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से या तो इक्वल में है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नाउ थर्ड पे जाते हैं हम, तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, उसमें थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है सबको। मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, जो ये सेकंड जब हमने देखा था ये वाला, इसमें 1 and 1/2 लिखा है, वो क्या है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो वो ये जो 1 and 1/2 वो दिख रहा है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब ये थर्ड वाला जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन वो क्या है, तो कोई एक नंबर है वो इंटीजर में है और बाजू में साथ में उसका और एक पार्ट दिया है आपको, ठीक है, साथ में और एक प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है, तो वो हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पे 1/2 लिखा है, तो सी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कम है, यहाँ पे भी 3/4 लिखा है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कम है वैल्यू में, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन, और साथ में कोई एक होल नंबर दिया है मीन्स कि इंटीजर दिया है, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पे लिखा है अ फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो भी है ना उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी मिक्स्ड फ्रैक्शन में कॉन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या था, तो जिसमें न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर में, कि मीन्स की डिनोमिनेटर की कंपेरिजन में न्यूमरेटर की वैल्यू ज्यादा है,
अगर हम ये लिखे, सपोज हम लिखे 4/3, तो इसको हम ये कौन सा फ्रैक्शन है? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिख रहा है, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से कम है, या तो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज्यादा है, तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई मुझे बता सकता है? ये सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता है देन इट्स फाइन, बट अगर किसी को पता है देन प्लीज टेल। या तो मान, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 8 8/3, तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है? अब इसको कैसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, आई थिंक किसी को नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है उसके मल्टीपल में ये नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सी, हम 8 3 से 8 को डिवाइड करो तो ये 2 पॉइंट समथिंग कुछ दिखेगा आपको, ठीक है? 2 पॉइंट समथिंग, तो इसको 2 के मल्टीपल में कैसे लिख सकते हैं? तो 2 इंटू 3, हम ऐसे लिख सकते हैं 8 को 6 प्लस 2/3। ओके, अब 6/3 प्लस 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, 6/3 प्लस 2/3 हमने सेपरेशन दिया, तो ये क्या आंसर मिला? तो 6/3 दैट इज 2, और प्लस करके 2/3, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन लिखना है, तो 2/3। तो इसमें ये ऐसे कॉन्वर्ट हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सिमिलरली अगर ऐसा है 3/2, ओके 3/2, तो 3 को कैसे लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल के फॉर्म में? तो 2 इंटू 1 प्लस 1/2, 3 को हमने 2 प्लस 1 लिखा, नाउ 2/2 दैट इज 1 एंड 1/2। ये वाला ही नंबर यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, ये एक पूरा है, ये एक पूरा है, और ये एक आधा है, और मिला के उसको हम 3/2 बोल, या 1 एंड 1/2 ऐसे पढ़ते हैं इसको। ओके, अब इसको मींस कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई कर कैसे कॉन्वर्ट कर सकते हैं? तो सपोज आपके पास है ये 3 एंड 1/4 सपोज, तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करना, कैसे कॉन्वर्ट करना है? तो हम करेंगे ये 3 इंटू 4 प्लस करके ये जो वाला नंबर है वो 1/4 होल डिवाइडेड बाय, तो ये आंसर क्या मिला? 3 इंटू 4 दैट इज 12 प्लस 1 दैट इज 13/4, ऐसे। क्लियर? मैडम आ ड्रॉ करवानो छे। हाँ, तमने ख्याल आवे पूछे मिक्स्ड फ्रैक्शन, एना माटे ड्रॉ करवानो छे जस्ट। और ये एग्जाम्पल भी लिखने हैं साथ में, फॉर एग्जाम्पल करके मैं यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिख के देती हूँ। ओके, फर्स्ट हम लिखेंगे, अगर आपके पास है 8/3 नंबर विच इज इम्प्रॉपर, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 प्लस 2/3 ऐसे लिखेंगे, नाउ 6/3 दैट इज 2 एंड 2/3 एज इट इज लाइक दिस। सेकेंड 4/3, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 प्लस/3, तो 1 एंड 1/3 ऐसा होगा। थर्ड, अब हम उल्टा करते हैं कि प्रॉपर सॉरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी मिक्स फ्रैक्शन दिया है, मीन्स कि 13/4 सॉरी माय मिस्टेक, 2 3/4 सपोज हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है? इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कॉन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू 4 प्लस ये वाला नंबर 3 होल डिवाइडेड बाय 4, होल डिवाइडेड बाय 4, तो ये आंसर क्या मिलेगा? तो ये 2 इंटू 4 दैट इज 8,
3, तो 11/4। तो साथ में ये तीन भी लिखने हैं आपको। नेक्स्ट, आई थिंक सबका हो गया है लिखना। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं स्क्रीनशॉट ले लिया, चलेगा? ठीक हाँ चलेगा, बट लिखना है। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसको हम बोलेंगे? तो सेम प्रपोर्शन वाले होंगे ना, उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। वेट अ मोमेंट, यहाँ पे किसी ने सेम प्रपोर्शन वाले होंगे फ्रैक्शन, उसको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर हम बोल दे कि 3/6 एंड 1/2, ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। कैसे? तो 3/6 को हम 1/2 के फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे? तो दोनों में ये 6 में 3 छुपा हुआ है ही, तो 3/6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। 3 3 कैंसिल आउट हो गए और हमें मिला 1/2। तो ये 3/6 एंड 1/2 दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, यहाँ पे लिखा इफ बाई डी, मीन्स की कोई भी कॉमन लिया, उसमें अगर एम एम कॉमन डिवाइजर्स है, हाँ, अगर कॉमन ऐसे डिवाइजर्स हैं अंदर, लाइक एम ए एंड एम बी, वो सी बाई डी के प्रोपोर्शन में ही है अगर, तो सी ए बाई बी एंड सी बाई डी एंड सी बाई डी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, बिकॉज दे रिप्रेजेंट द सेम पोर्शन ऑफ द होल। कि 3/6 और 1/2 दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही है। क्यों? क्योंकि दोनों सेम नंबर को ही या तो सेम पोर्शन को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है कि कोई एक सर्कल दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि उसका हाफ किया है, और ये दूसरा क्या है कि उसके चार पार्ट्स किए हैं, और कौन सा कंसिडर किया है? दो पोर्शंस कंसिडर किए, यहाँ पे दो पार्ट किए और एक पोर्शन कंसिडर किया। प्रोपोर्शन सेम ही दिख रहा है, पोर्शंस आपको सेम ही दिख रहा है, तो दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। नेक्स्ट, फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलेंगे? तो जिसका न्यूमरेटर 1 रहेगा उसको हम यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे। तो सी, यहाँ पे 1/2 एंड 1/4। ओके, तो ये क्या है? ये न्यूमरेटर 1 है, तो ये यूनिट फ्रैक्शन हो गए। क्या लिखा है? अ फ्रैक्शन हैविंग अ न्यूमरेटर इज कॉल्ड अ यूनिट फ्रैक्शन। सो स्क्रीनशॉट ले लो अभी, क्योंकि ऑलरेडी हमने डिस्कशन में कुछ ज्यादा ही टाइम दे दिया था। મેમ યસ, અત્યારે સર નો કઈક એક્ઝામ કેન્સલ નો અથવા પોસ્ટપોન માટે નો મેસેજ આવ્યો છે, તો આજનું પેપર તો વયું ગયું ને? હા, કેમ કે ઘણા બધાનો પ્રોબ્લેમ પડેલા હતા બરાબર આમાં હા એક્ઝામ આપવામાં, તો મેં તમને કીધું કંઈક ને કંઈક એનો સોલ્યુશન મળશે। એ ઘણા એટલે મેડમ બધાની છે ને તે અમુકની દિવસે એક્ઝામ આવે થઈ ગઈ, અમુકની નથી થઈ, તો જે તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે એને ફોલો કરવાની છે। ઓકે એટલે મેડમ છે ને દેવાઈ ગયું હોય
ઓકે, તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન એવી રીતે આપેલી છે કે મીન્સ કે ઓવરઓલ જ બધાને આપેલી છે, દેટ મીન્સ કે તમારે ફરીથી એક્ઝામ આપવાની રહેશે. કેમ કે ત્યાંથી ડિટેક્ટ નહીં થાય કે કોને પ્રોબ્લેમ હતો ને કોને નહોતો. મેમ કાલે એક્ઝામ નહીં હોય ને? કાલે હશે જે ટાઈમ હતો એ હશે જ, આજની એક્ઝામ જ ખાલી પોસ્ટપોન થયેલી છે. ટુડે ઇઝ મિડ સેમ એક્ઝામ ઓફ સેમ વન ઇઝ પોસ્ટપોન્ડ, એટલે આજની જ ખાલી જ અંદર પર્ટિક્યુલરલી લખેલું છે કે 18 જાન્યુઆરીની જે એક્ઝામ હતી તે. એટલે મેમ જેને પૂરી ના થઈ હોય એને જ ને? ના ના, બધા માટે. તો પણ તમે એક વખત તમારા સીસી ને સર ને તમે પૂછી પૂછી લઉં ને. શકો છો. યસ, ઓકે. સો ये स्क्रीनशॉट सबने आई थिंक ले लिया है. नेक्स्ट स्लाइड नाउ. ओके, नेक्स्ट इज वल्गर फ्रैक्शन और कॉमन फ्रैक्शन. अब ये क्या है? तो जो भी प्रॉपर, अगर हम लाइक यहाँ पे कैसे लिखा है, ये आपको एक नंबर दिख रहा है कि फ्रैक्शन में भी फ्रैक्शन है. ओके, तो ऐसा नहीं, प्रॉपरली न्यूमरेटर में सिर्फ एक ही नंबर है, डिनोमिनेटर में भी एक ही नंबर है. प्रॉपरली न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, ऐसा अगर कुछ नंबर दिया है आपको, उस टाइप का फ्रैक्शन दिया है, तो दैट इज वल्गर फ्रैक्शन, या तो कॉमन फ्रैक्शन भी उसको हम बोलते हैं. या तो कोई ऐसा नंबर कि न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई डेसिमल दिया है, लाइक अगर हम मान ले कि 2/0.1, तो सी ये होल नंबर नहीं है, ये इसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं अगेन, तो ये भी कॉमन या वल्गर फ्रैक्शन नहीं है. तो वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन क्या है? तो यहाँ पे लिखा है अ फ्रैक्शन विच इज एक्सप्रेस बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर नॉट डेसिमली इज कॉल्ड वल्गर फ्रैक्शन. और अ फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ वन इंटीजर डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो इंटीजर, कि एक इंटीजर डिवाइडेड बाय दूसरा इंटीजर ही कोई फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं, सिर्फ इंटीजर्स ही होने चाहिए दोनों, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में. तो ऐसे फ्रैक्शन को हम या तो वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे या तो कॉमन फ्रैक्शन बोलेंगे. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है 1/2, दोनों सी दोनों इंटीजर्स ही है. यहाँ 3/5, दोनों इंटीजर्स ही है, तो ये वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन है. बट ये वाले फ्रैक्शन जो है वो कॉमन फ्रैक्शन या वल्गर फ्रैक्शन नहीं है. ओके, और आप मुझे यहाँ पे बतानी है, आपको यहाँ पे लिखा है अनदर नॉन जीरो. यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा कि वन नॉन जीरो इंटीजर डिवाइडेड बाय अनदर नॉन जीरो इंटीजर. यहाँ पे लिखा है सिर्फ यहाँ पे कि डिनोमिनेटर ही नॉन जीरो नहीं होना चाहिए. तो ऐसा क्यों, कोई मुझे बता सकता कि डिनोमिनेटर नॉन जीरो ही क्यों लिखा है? આ ડિનોમિનેટર માં 0 આવે તો આખું 0 થઈ જાય ને આન્સર? થાય આન્સર. અગર ડિનોમિનેટર માં સપોઝ વી રાઇટ 2/0, તો ઇસકી વેલ્યુ ક્યા હોગી? જીરો. તો જીરો તો ડિફાઇન્ડ છે, બરાબર, તો નહીં બોલી શકાય. 2/0 ક્યા, ઇસકી વેલ્યુ ક્યા હો સકતી હૈ? એનીવન કેન કેન એનીવન ટેલ? નો વન, 0 ઝીરો, નો, ઇન્ફિનિટી. યસ, ઇન્ફિનિટી હોગા ઇસકા આન્સર. યા તો યે અનડિફાઇન્ડ હૈ એસા હમ બોલ સકતે હૈ, ઇસકી વેલ્યુ હી નહીં હૈ, હમ એસા બોલ સકતે હૈ. ઠીક હૈ, ક્યું ક્યું ઇસકા ઇસકા કોઈ રીઝન બતા સકતા હૈ ક્યું એસા? અભી તક હમને જીતના પડા ઉસકે ઉપર સે આપકો આન્સર મિલ જાયેગા. કોઈ બતા સકતા હૈ એસા ક્યું? સિમ્પલ લોજિક લગાય અગર. નો વન, સી યહાં પે બતાતી હું મેં. યે એક સર્કલ લિયા હૈ, ઠીક હૈ, ઉસકા અગર યે પાર્ટ અગર હમે હાઈલાઇટ કરના હૈ તો વો 1/2 બોલેંગે. એક સર્કલ લિયા હૈ ઉસકે તીન ઇક્વલ પાર્ટસ કિયે, અગર યે પોર્શન કો રિપ્રેઝેન્ટ
है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कितने पोर्शंस किए, 3 पोर्शंस किए, कितना पार्ट रिप्रेजेंट करना है एक पार्ट को हम 1/3 बोलेंगे। अगर हमें 2 सर्कल्स दिए हैं, ये पूरा रिप्रेजेंट करना है और इसमें एक आधा रिप्रेजेंट करना है, तो हम इसको बोलेंगे 1 1/2। बट ओके, 0 के पार्ट्स करने हैं और इसको रिप्रेजेंट करना है, कैन वी डू दिस? 0 के पार्ट्स ही कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, इसीलिए ऐसा हम कभी भी हम ऐसा ऐसा नंबर हम नहीं लिख सकते कि यहाँ पे तो क्या कि एक सर्कल था उसके 3 पार्ट्स किए, एक सर्कल था उसके 2 पार्ट्स किए, राइट? तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 के पार्ट्स करने, कैन वी इमेजिन? ऐसा हम लिख ही नहीं सकते, तो इसलिए ऐसा नंबर कभी भी पॉसिबल है ही नहीं, सिंपल लॉजिक अगर लगाए तो। ओके, नाउ नेक्स्ट, डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन किसको? तो डिनोमिनेटर में अगर 10 के पावर में कोई नंबर दिया है तो उसको बोलेंगे हम डेसिमल फ्रैक्शन, कि नीचे 10 या 100 1000 की 10 के मल्टीपल वाला कोई भी नंबर दिया है तो उसको हम बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस विच इज इन विच डिनोमिनेटर्स आर पावर्स ऑफ 10 आर नोन एज, यहाँ पे आर नोन एज डेसिमल फ्रैक्शंस, कि डिनोमिनेटर में अगर 10 का पावर वाला कोई नंबर दिया है, सी या 1/10, तो 1/10 पार्ट हुआ, 1/100 वो भी डेसिमल फ्रैक्शन है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेसिमली की 0.01। ओके, 99/100 तो इसको हम बोल सकते हैं 0.99, 7/1000 तो 0.007 एंड एटसेट्रा। तो इस टाइप की टर्म्स है अगर डिनोमिनेटर में, तो इसको हम बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। सो राइट डाउन दिस। स्क्रीनशॉट ले लो सब। नाउ नेक्स्ट, कॉन्वर्जन ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू वल्गर फ्रैक्शन। कि अगर डेसिमल फ्रैक्शन कोई आपको दिया है, या सॉरी डेसिमल फ्रैक्शन नहीं, सिर्फ डेसिमल अगर डेसिमल दिया है और उसको वल्गर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। नाउ व्हाट इज वल्गर फ्रैक्शन? अगेन यहाँ पर रिपीटेशन आया, वल्गर फ्रैक्शन क्या है? तो इंटीजर बाय इंटीजर, ओके, कि ऊपर या नीचे, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए, या तो डेसिमल भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इंटीजर बाय इंटीजर इस टाइप का अगर फ्रैक्शन है तो उसको हम वल्गर फ्रैक्शन बोलेंगे। तो कोई डेसिमल टर्म आपको दी है तो उसको वल्गर फ्रैक्शन में कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो? तो यहाँ पे लिखा है, पुट 1 इन द डिनोमिनेटर अंडर द डेसिमल पॉइंट एंड एनेक्स विथ इट एज मेनी जीरोस एज इन द नंबर ऑफ डिजिट्स डेसिमल पॉइंट। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, अगर हमें ऐसा बोला है कि 0.0001 ऐसे करना है, सॉरी यहाँ पे हम 3 कर देते हैं, चलो। तो हमें क्या करना है, नीचे 1 लिखना है और 1 के पीछे 0 लगाने हैं। कितने 0 लगाने हैं? तो इतने, मीन्स कि जितने यहाँ पे नंबर्स है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? तो 1 2 3 4, तो इतने 0 यहाँ पे लिख देना है। ओके, और ऊपर क्या लिखना है? तो ये जितने भी 0s है वो निकाल दो, आगे वाले 0s, तो वो 3/10,000 ऐसे हम लिख सकते हैं। ये सबको पता है, ये बहुत कॉमन। अब अगर इसमें कोई कॉमन फैक्टर्स है तो उसको निकाल देना है, वो रिमूव कर देना है। इसमें कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली, तो वो हम एज इट इज रखते हैं।
अगर यहाँ पे मान लो कि ये टू है, तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स टू टू है, तो वो हम कॉमन फैक्टर से वो निकाल देते हैं, तो इसको हम ये 10 बन जाएगा 5 और बाकी के जीरो, तो ये फाइनल आंसर इसका होगा, और दिस इज दी वल्गर फ्रैक्शन या कॉमन फ्रैक्शन। डेसिमल को हम वल्गर फ्रैक्शन में ऐसे कॉन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, दिस वन 0.25। मैम फिर से समझा ना, मेरा नेट चला गया ओके है अभी, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं ये वाला एग्जाम्पल ही समझा देती हूँ। 0.25 क्या करना है, 0.25 तो क्या लिखना है इसमें, नीचे लिख देना है वन, सिर्फ वन के बाद क्या करना है, तो इसमें कितने डिजिट्स है डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है उतने जीरो यहाँ पे लगा देना है, यहाँ पे टू डिजिट्स है तो यहाँ पे वन के पीछे टू डिजिट्स जीरोस लगा देने हैं। अब इसको डेसिमल के विदाउट यहाँ पे लिखना है 25, आगे के जीरो है वो रिमूव कर दो, अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो वो नंबर लिख दो, मीन्स की डेसिमल के बगैर ये आपको नंबर लिखना है, ठीक है। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, अब इसमें जो भी कॉमन फैक्टर्स है वो रिमूव कर दो, तो हमें पता है 25 × 4 दैट इज 100, तो 25/100 को हम लिखेंगे 25 × 4, 25 25 कैंसल गॉट कैंसल्ड आउट, सो द आंसर इज ओनली 1/4, हियर हियर इज मेंशन। ओके सिमिलरली 2008, सॉरी 2.008, तो इसको वल्गर फ्रैक्शन में कैसे कॉन्वर्ट करोगे, तो डेसिमल के बगैर यहाँ पे नंबर लिख दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सिर्फ वन लिखो, अब इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है उतने जीरोस वन के पीछे लगने हैं, तीन है तो वन के पीछे ये तीन हमने जीरोस लगा दिए। अब क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स है वो कैंसल आउट, ओके तो कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे कैंसल आउट कर दिए, हेंस दिस आंसर इज 251/125। ओके तो इजी है, इसमें भी कुछ इतना ज्यादा नहीं है, तो नाउ नेक्स्ट स्लाइड, अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना बाकी है तो स्क्रीनशॉट ले सकते, बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है, आपकी नॉइस नहीं आ रही। क्या खबर है तो यो बेहस करता था, कभी जाए तू ऐसा ही बस तो वही प्रिंस को मैंने म्यूट किया है, आप पहले इतना ध्यान रखो कि आपसे अनम्यूट नहीं हो गया है माइक, ठीक है, आपका यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है ऐसा, सो दैट इज नॉट दी प्रॉपर वे, लेट मी अगेन शेयर माई स्क्रीन हियर। ओके नाउ नेक्स्ट रिमार्क्स, रिमार्क्स फर्स्ट रिमार्क क्या लिखा है, एनेक्सिंग जीरोस टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल फ्रैक्शन डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू, कि कोई डेसिमल नंबर दिया है, डेसिमल नंबर दिया है तो उसके पीछे मीन्स कि डेसिमल के बाद जितने भी जीरो लगाने आप लगा सकते हो, उसकी वजह से वो नंबर का की वैल्यू, वो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लाइक हम अगर कोई प्रॉपर नंबर ले, इंटीजर नंबर ले, ठीक है, तो वन के पीछे पीछे लगाओ तो ये 1 और 10 वो इक्वल नहीं है,
बट अगर हम ये 1.1 लिखते हैं तो इसके पीछे 0 0 0 जितने भी लगाने हैं आप लगा सकते हो, ये दोनों की वैल्यू इक्वल ही होगी। ओके, यहाँ पे लिखा है 10, 0.0 इक्वल्स 0.80 विच ऑल्सो अगेन इक्वल्स 0.80 और 0.80000 एंड सो ऑन। ओके, इफ दूसरा है, इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन कंटेन द सेम नंबर ऑफ डेसिमल वैल्यूज प्लेसेस देन वी रिमूव द डेसिमल साइन, वी कैन रिमूव द डेसिमल साइन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मीन्स कि ये वल्गर फ्रैक्शन नहीं हुआ, कॉमन फ्रैक्शन नहीं हुआ, इसको अगर हम कंसिडर करें तो सी दोनों इंटीजर्स नहीं है। अगर न्यूमरेटर में जितने डेसिमल्स है उतने ही डेसिमल्स डिनोमिनेटर में है तो हम क्या कर सकते हैं, वो डेसिमल की साइन हम रिमूव कर सकते हैं अगर इक्वल नंबर में डेसिमल है तो ही। ओके, अगर हम ये लिखे कि 1.234 अपॉन 5.678, ठीक है, दोनों में इक्वल नंबर डेसिमल के बाद इक्वल नंबर्स है, मीन्स कि इक्वल डिजिट, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है, 3 डिजिट्स, यहाँ पे भी 3 डिजिट्स, तो हम इनको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो सब क्विकली। ओके, सेम स्लाइड है। सो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं क्योंकि इसके बाद मुझे हेलो मैम, दूसरा, यस मैम आपने ओला सर नो मैसेज आयो काई के आज नी एग्जाम कैंसल અને પોસ્ટપોન થઈ ગઈ છે, हाँ, એટલે એમાં શું છે? કેમ કે ઘણા બધાને એક્ઝામ માં પ્રોબ્લેમ આવેલા હતા તો ઘણા બધાની એક્ઝામ નથી અપાઈ, યા તો જે એક્ઝામ આપતા હતા અધવચ્ચેથી એ લોકો લોગ આઉટ થઈ ગયા એવી રીતે થતું હતું, યા હા એપ્લિકેશન રિસ્પોન્ડ નહોતી કરતી, તો હવે એપ્લિકેશન એ નહીં જોઈ શકે કોને પ્રોબ્લેમ પડ્યા છે કોને નથી પડ્યા, રાઈટ? એટલે એ એક્ઝામ જ કેન્સલ થઈ ગઈ, આજની, ખાલી આજની એક્ઝામ કેન્સલ થઈ ગઈ અને હવે પાછી એ રિશેડ્યુલ થશે। મેમ, જેને પરફેક્ટ હતું એનું એને પાછું દેવાની? ઓકે, हाँ, ऑब्वियसली। કાઈ વાંધો નહીં। ओके, सो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं क्योंकि इसके बाद न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, अगर रह गया है तो ठीक है, तो वो दिक्कत रहेगी। सो बेटर कि हम यहाँ तक रखते हैं आज का सेशन, वैसे भी सिर्फ लास्ट 3 मिनट्स ही बची है, तो स्क्रीनशॉट अगर लेना बाकी है तो ले लो। ओके, नाउ अटेंडेंस के लिए मैं आपको चैट बॉक्स ओपन करके देती हूँ, तो गिव योर प्रॉपर अटेंडेंस प्लीज। आपके ब्रांच के सिर्फ प्रॉपर इनिशियल्स ही लिखने हैं, मैकेनिकल वाले सिर्फ एम लिखेंगे, सिविल वाले सी, इलेक्ट्रिकल ओके वाले मैम, बाय। ई, ओके गुड बाय, केमिकल सी एच एंड ऑटोमोबाइल ओनली ए। जिनकी अटेंडेंस हो गई, अदित फिर से अटेंडेंस दो, एम ई नहीं लिखना है, सिर्फ एम लिखना है। मैम मेरा ठीक है ना? जिनका यहाँ पे, हाँ देवेंद्र, यस सही, ओके मैम, बाय। ओके गुड बाय। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मैम आज एग्जाम नहीं है ना? नहीं है। ओके मैम। ओके, कोई भी मैडम डाउट है आपके सीसी से आप बात कर सकते हो। मैडम यस जीगर, कई मैडम हमने तो कहीं मैसेज नहीं हो आज नहीं, तुम्हारे एग्जाम छे के नहीं हो कहीं ब्रांच में थी छो तमें? केमिकल, केमिकल? ओके, मे बी तमने हमणा मैसेज करी शके छे। लमारे छे 3 થી 4 ની એક્ઝામ છે એમ છે।
ના એવું તો કઈ રીતે હોય છે અચ્છા એવું છે હા હા મેમ અમારે ટાઈમિંગ 3 થી 4 છે ઓકે તમે તમારા સીસી ને પૂછી શકો છો કેમ કે મેબી કઈક મેબી સમજવામાં ભૂલ થઈ ગઈ હોય એવું કઈ હોઈ શકે તમે તમારા સીસી સાથે વાત કરી શકો છો ઓકે મેમ ઓકે યસ સો ગુડ બાય એવરીવન બાય મેમ ગુડ બાય